जो है डिंपल की शादी है और हम जा रहे हैं जीरकपुर, पारो और मैं, और आज ईशा का पेपर भी है। इसका सूट देखो कितना प्यारा लग रहा है, दिखा आपका सूट, हम दोनों का अच्छा लग रहा है। मैंने तो रोकी वाला ही पहना है अपना सूट, मैंने भी वही पहना है जो आपने देख रखा है मेरा दिवाली। ये दिवाली पे इसे स्टिच करवाया सूट, मेरी बैक पे देखो दोस्तों। ओह वाओ, बहुत प्यारा लग रहा है सूट तेरा। और आज ईशा का जो है वो पेपर भी है जर्मनी का, तो हम उसको विश कर देते हैं इकट्ठे। खराब हो रहा है आपका, हाँ थोड़ा सा, तो फोन करिए उसको, वीडियो कॉल कर लेते हैं थोड़ा सा, पता नहीं उठाएंगे नहीं उठाएंगे अभी। और ना आज मुझे डॉक्यूमेंटेशन का वर्क करने जाना है, बहुत जरूरी। डेटा ऑफ है, नॉर्मल कॉल कर ले। तो दोस्तों आज बहुत ज़रूरी काम है मेरे को डॉक्यूमेंटेशन का, इसी वजह से मैंने जो जाना था डिंपल की शादी में 10 o'clock जाना था, 11 o'clock कर दिया है, 1 घंटा लेट जाऊँगी। फटाफट से रेडी होके पहले वर्क करने चलते हैं, फिर डायरेक्टली यहीं से निकल जाएंगे डिंपल की शादी के लिए। ठीक है, स्विच ऑफ है उसका फ़ोन। चलो हम ब्लॉग में कर देते हैं, मैसेज सेंड कर देते हैं और व्लॉग में भी विश कर देते हैं ऑल द बेस्ट। अपना पेपर अच्छे से दियो, मन लगा के दियो। वैसे हमें पता है तू बहुत इंटेलिजेंट है, अच्छा ही करेगी, बट स्टिल हमारी ब्लेसिंग्स की तो जरूरत है ही है तुझे फॉरएवर। सो ऑल द बेस्ट। सो आफ्टर ब्रेकफास्ट दोस्तों वी वेंट पोस्ट ऑफिस फॉर आवर वर्क, एंड वहाँ पर भी वी गॉट 1.5 hours लेट, बिकॉज वहाँ से हमें 11 o'clock निकलना था एंड 12:30 हम वहाँ से निकले ही हैं। दोस्तों वी आर ऑन द वे फॉर डिंपल। पेपर कैसा रहा? ईशा की वीडियो कॉल आई है, तेरे को वीडियो कॉल कर रहे थे ऑल द बेस्ट बोलने के लिए उस टाइम। मैनेजर साहब ने उनको बताया है वहां के मैनेजर आने वाले। नहीं जा रहे हैं बस, अभी पता नहीं यार 11 बजे का टाइम था, फोन भी नहीं उठा रही है वो। हां गई वो बधाई करके ऑफिस के घर जाना, सिस्टर को करती हूं बाय। दोस्तों ये भी टैलेंट होता है कार में मेकअप करने का। मैंने शादी के बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं, तो अब ये कार में तो कुछ नहीं हो सकता हमारा। दोस्तों पहले ना मैंने मना कर दिया था क्योंकि काम, आवाज कम कर ले थोड़ी। दोस्तों मैंने ना मना कर दिया था कि मैं नहीं आ पाऊंगी शादी में क्योंकि हम ऑलरेडी वहाँ लेट हो गए थे। मेरा बैच नंबर 11 था, तो बैच नंबर 8 स्पीकिंग टू समवन एल्स, तो मेरा बैच नंबर 8 था और 6 चल रहा था उस टाइम पे, तो 2 घंटे और लगने थे आराम से बिल्कुल। पता नहीं क्या भगवान को मुझ पे और उस औरत को मुझ पे तरस आया था वहाँ पे। तू चुप रहा ना, सही में फोन कराया था भाई, पागल है क्या? तो पता नहीं क्या उसको मेरे पे तरस आया, उसने मुझे बुला लिया, मेरा काम हो गया। अदरवाइज तो मेरा रह गया था आज शादी में जाना, और मैं इतना मेरे को बुरा लग रहा था कि यार शिट मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में जा पा रही। मेरा पति अच्छा है तेरे जैसा नहीं है, लोग बना ले या मेरे से बात कर ले। तो मैंने सीट कर ली अपनी चेंज और मैं आ गई अपनी पारो के पास, हम करेंगे बैठ के मेकअप। अभी इस तरह मेकअप हो जाएगा, कोशिश करेंगे। तो हम अभी अपना मेकअप जितना हो पाया उतना करेंगे, लेट हद से ज्यादा हो गया हम, बहुत ज्यादा। जैसा हो पाया वैसे चले जाएंगे। अब क्या हमने तैयार शरों की तरह क्या करना है, मेरे को तो मिल गया जिसने मिलना था। अपना देख तू, तुझे भी मिल जाएगा, टेंशन नहीं। तेरा मेकअप मेन है, तेरे को अच्छे से रेडी कर दूंगी मैं। कैसा लगा रही पारू लिपस्टिक? स्ट्रगल, दिस इज कॉल्ड रियल स्ट्रगल दोस्तों। पूरे पार्क घुमा रही है लत्ते फेंकते, सोने पट्टा परेता हैगा खोलता, खाली लंघ देना
उड़ती जमे मोड़ वागू रही फरार जाती उड़ती जमे मोड़ वागू रही बस एक दोस्तों 3 घंटे का सफर तय कर हुआ मेकअप हुआ ही नहीं है, मैंने कंघी नहीं करी है जब से हेड वॉश किया, मैंने ये बिल्कुल अभी भी किया दोस्तों, कंघी ऐसी कोई बात नहीं है। दोस्तों यहाँ पे हम रिजॉर्ट में पहुँच चुके हैं, कॉम बैग में रख लो, दरवाजा बंद कर दो, और तो कुछ नहीं, मस्कारा है सही लग रहा है, ऐसा ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। हाँ बैठ वॉशरूम जाएंगे ना अभी, तब थोड़ा सा पिन लगाऊंगी, पिन लगाऊंगी वहाँ छाया में। उंगली कर रही है, कह रही बोला हेलो, मुड़ा भी ज्यादा से करते हैं हां मैं रहा हूं पागल के प्रति पाई जा रही है, ग्रीन चेयर में मुझे पता नहीं चले कि मैं नहीं इसकी ले रही हूँ, तेरी नहीं ले रही, मुझे पता तू व्लॉग में नहीं आता। मीट माय पारो दोस्तों, और पारो का आउटफिट आपका दिखना चाहिए, आप मेरा दिखा दें। नाउ दोस्तों सी काजूज आउटफिट माय बेबी डॉल। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं गुरुद्वारे में जहाँ डिंपल मैम के फेरे हो रहे हैं। दोस्तों गुरुद्वारा, ऑफ माय फ्लॉलेस क्वीन, श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन स्नान चौंक।
मुझे माफ कर दो, इतना ही कर।